तो दोस्तों हालचाल तो बढ़िया होंगे, आप हंसते रहा करो। सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों, ये शायद शादी हो रही है। तभी एक मुन्नी उठी यार, नाचने लगी। अबे कैसे नाच रही है, पीछे ताऊ की तरफ देखो दोस्तों। अबे ताऊ, मुन्नी का तो पता नहीं, लेकिन यार ताऊ ने बैठे बिठाए बहुत ही बढ़िया डांस कर डाला। वैसे ये मुन्नी वाला डांस कहाँ होता है, नीचे कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, नाचती नाचती की चोटी टूट गई, यानी कि नकली चोटी चिपका रखी थी वो, यार गिर गई नीचे। हाँ हाँ मुन्नी प्यार से कर साइडी, किसी ने भी नहीं देखा। लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो चोटी बड़ी थी, इतनी जल्दी इतने सारे बाले कैसे झड़ गए इसके। इसलिए जब भी डांस करने जाएं, चोटी अच्छे से चिपकाएं, ताकि आपकी चोटी डांस करते टाइम ना गिर जाए। मित्रों क्या आप सिंगल हैं? क्या आपको भी यार नन्ना मुन्ना बच्चा चाहिए? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सुनहरी मौका खुद चलकर आपके पास आया है। देखो यार क्या क्या बोल रही है। ये मेरे पति है और बच्चा भी नहीं होता है, तो मैं चाहती हूँ जो भी मुझसे शादी करेगा, मेरे पति उसके लिए 25 लाख रुपए देंगे। तो जो भी मुझसे शादी करना चाहता है वो अपना एड्रेस और फोन नंबर कमेंट बॉक्स में करे, जान दे देंगे इसके लिए। मित्रों ये तो वही बात होगी कि चाहे अंकल जी का फट जाए कच्छा, कि चाहे अंकल जी का फट जाए कच्छा, लेकिन इनको तो चाहिए एक नन्ना मुन्ना बच्चा। तो मित्रों आप में से कौन कौन तैयार है जो इस आंटी से शादी करेगा और यार अंकल जी को बच्चा देगा? देख लो दोस्तों, 25 लाख हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों शादी के बाद कुछ पत्नियां अपने पति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। ये पति यार एक गिलास निकालता है और उसमें यार पानी भरता है, और पानी भर के गिलास में एक चम्मच भी डाल देता है। फिर क्या यार, उठाया गिलास पत्नी के पास ले गया, फिर क्या बोला कि ये ले मुन्नी पी ले पानी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। लेकिन मुन्नी को इस पर शक हो जाता है कि आखिर गिलास में चम्मच क्यों है। चम्मच क्यों लगाया? अरे सॉरी, चम्मच नहीं होना चाहिए। क्या मिला है वो? कुछ नहीं मिला। पागल है क्या? अरे यार तुम पे तो, तुमको तो बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं है यार मेरे ऊपर। तो तुम चम्मच क्यों डाले उसको? अरे वो गलती से चला गया। अरे आंटी वो गिलास में एक चम्मच क्या ले आया, तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो गया? दोस्तों यह कलयुग है, कलयुग। दोस्तों असल बात यह है कि ये आंटी जानती है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, इस दुनिया का कुछ पता नहीं यार कब क्या कर दे, यानी कि कोई जहर वहर तो नहीं डाल दिया। यारो मुझे ठेकेदार बना दो, आपको हंसाने का, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखो मित्रों, बढ़ती हुई महंगाई को देखकर इन भाई साहब, अरे भाई साहब बोलो कि भाई साहब नहीं, मतलब कि भाई साहब ही होंगे, इन्होंने एक आविष्कार किया है, यानी कि कपड़े का, देसी कपड़े। अबे क्या बन गया तू, इको फ्रेंडली कपड़ा दोस्तों। नो पोल्यूशन, सेव अर्थ दोस्तों। इसलिए मित्रों आप भी इस मुहिम में शामिल हो जाओ, यानी कि पत्ते बांध लो पत्ते, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन यार ये फैशन एक नंबर है दोस्तों। इन भाई साहब ने साबित कर दिया है कि वो इस भाई साहबनी का भाई है। अगर मित्रों आप भी इन दोनों की मुहिम कपड़ा बचाओ में शामिल होना चाहते हैं तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। इसमें भी दोस्तों भाई साहब की ही गलती है, यानी कि गलत आटा ले आया। अब इन भाई साहब को बस एक ही काम करना चाहिए कि चूना ले आ, चूना खाओ और टपक जाओ हमारे इस चैनल द्वारा जन को खत्म करने के लिए जारी। और यहाँ पर देखो दोस्तों, अजब गजब शादी, यानी कि दूल्हा तैरता हुआ जा रहा है अपनी मुन्नी के पास, यानी कि दुल्हन के पास। पता नहीं मित्रों आजकल लोग शादियों में क्या क्या लफड़े करते हैं। अरे शादी करने आए हैं ढंग से कर लो, लेकिन नहीं, तैर तैर के जाना है, तैर तैर के। देखो देखो जरा दुल्हन की किश्ती की तरफ देखो दोस्तों, पानी में आग लगा रखी है दुल्हन ने, पानी में आग। अरे दुल्हन तो दुल्हन, इधर दूल्हा भी कम नहीं है यार, उसने भी बिल्कुल अनार चला रखे हैं, अनार। बेचारा पानी भी बोलता होगा कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, ये दुनिया बहुत खराब है, इन लोगों ने मेरे ऊपर आग जला दी, आग। और यहाँ पर देखो दोस्तों शादी का डांस, आपको किस एंगल से ये शादी का डांस लग रहा है? अबे क्या कर रही है, ये क्लब नहीं है, ये शादी है, शादी। और इस डांस वाली आंटी को बहुत जल्दी यार डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि किसी भी शादी में घुसने नहीं दिया जाएगा। लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल लाला लाला कर देती है शादी में। खैर दोस्तों इनके शादी में ये सब लफड़े चलते रहेंगे, आप हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो, आपको साने का, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।